Assalamualaikum miss. Waalaikum assalam students. Welcome in the online session. We will wait for a while. ताकि और स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें. ओके There are only three students, so I'm waiting. Is that okay for you? Yes, miss. Okay, thank you. आई होप आप बॉदर नहीं हो रहे होंगे वेट करने से. एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, सो आई डोंट वॉन्ट कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करें उनका कुछ मिस हो जाए.
ओके स्टूडेंट्स, काफी वेट हो गया है, सो आई एम गोना स्टार्ट द लेक्चर। ओके सी, यू हैव टू स्टडी टू कोर्सेस, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो प्लांट प्रोटेक्शन के कोर्स का है, एंड इन दिस लेक्चर, इन दिस कोर्स और प्लांट पैथोलॉजी के कोर्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, पहले आप ये समझ लें। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे पैथोजेंस के मुताबिक। ठीक है, पैथोजेंस मतलब वायरस, बैक्टीरिया, हेमाटोड्स और फंजाई। ठीक है, इसके मुताबिक जो डिजीजेस कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके मुताबिक। जबकि प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर हमारा जो बेसिक एम्फेसिस होगा वो होगा पेस्ट के ऊपर, पेस्ट के कंट्रोल के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेस्ट, पैरासाइट्स, पैरासाइटॉइड्स एंड दे आर प्रेजेंट और वेल नोन, उनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये कि पेस्ट क्या है, व्हाट इज पेस्ट। पेस्ट कुड बी एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस और ह्यूमन कंसर्न। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि हमारे हाउस होल्ड स्टफ को इवन नुकसान पहुंचा रही है, तो हम उसे डेजिग्नेट कर सकते हैं कि अच्छा जी ये एक पेस्ट है। सही, अगर कोई चीज़ हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रही है तो दैट कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए पेस्ट। द टर्म इज पर्टिकुलरली यूज फॉर क्रीचर्स दैट डैमेजेस क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और एनीथिंग एल्स। द टर्म पेस्ट इज यूजली यूज throughout the world for anything that is harmful for us in any way possible. Okay, ever since humans have relied on planted crops as a main source of food, obviously the diseases have arisen. Also insects, rodents, weeds, pathogen, multiple type of pathogens have infected the crops. So whatever we think is not suitable for us, we just designate it as a pest. अब इसका कोई ना कोई लेकिन एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर कैलकुलेशन है जिनकी बुनियाद पर हम किसी भी चीज को पेस्ट डिजाइनेट करते हैं, ये हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। दीज आर सर्टेन पिक्चर्स ऑफ पेस्ट दैट, मतलब एक एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कुछ डैमेज कर रहे हैं वो पेस्ट, हमारे जो स्टोरेज हाउसेस के अंदर जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन है उनको इन्फेक्ट करने वाले पेस्ट, इवन इन हाउस होल्ड स्टफ एंड इवन अ रोडेंट कैन बी अ पेस्ट। स्टेटस डिटरमिनेशन ऑफ एनी इंसेक्ट, पेस्ट को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं किसी भी इंसेक्ट को, क्या ये पेस्ट है। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ओके, एंड नॉट एवरी इंसेक्ट इज अ पेस्ट। ठीक है, इंसेक्ट्स आर द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, मिलियंस आर एग्जिस्टिंग इन आर सराउंडिंग, देर आर मेनी माइट्स प्रेजेंट, देर आर मेनी you know, spiders are present, there are many ants present in our surroundings, but we don't say every time that they are pest because sometimes they are not harming us. So insects, कौन से insects? पहली बात तो ये कि insects क्या होते हैं, ठीक है, insects की एक particular definition है। ज़्यादातर जो arthropod phyla से जो belong करते हैं animal kingdom के अंदर, उन्हें हम insect कहते हैं, okay? और insect जो है वो बहुत successful creatures हैं दुनिया में, क्यों? क्योंकि उनके बाहर जो एग्जोस्केलेटन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है बहुत वेरियस टाइप के एनवायरमेंट्स में रहने के लिए। दे आर क्वाइट स्मॉल, दे कैन फ्लाई, देयर स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फ्लाई एक्चुअली परमिट्स देम टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, यानी एक लिविंग एनवायरमेंट में अगर वो रह रहे हैं, एक इकोलॉजी में अगर वो रह रहे हैं, तो दे कैन एस्केप इजिली अगर कोई और इंसेक्ट उनको प्रिडेट करने आ रहा है। सो एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है, इसीलिए दुनिया में अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एनिमल किंगडम के अंदर वो इंसेक्ट्स शामिल है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं। ओके, सो हाउ वी डेजिग्नेट देम टू के ये अभी इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट पेस्ट है। इफ द नंबर इंक्रीजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंसेक्ट, देन अ
रिक्वायर्ड नंबर और मतलब एक एवरेज नंबर से अगर बढ़ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये पेस्ट है। चेंज इन टाइप ऑफ डैमेज, अगर जो डैमेज इंसेक्ट जनरली करते हैं, माइनर कर रहे हैं, अगर वो लीफ ईट कर रहे हैं, ओके फाइन, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली उन्हें सर्वाइवल के लिए चाहिए, इकोलॉजी है, पूरा इकोसिस्टम है, वो मेंटेन है, हर चीज को खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन अगर वो डैमेज के अंदर कुछ ज्यादा ही चेंज आ रहा है, डैमेज पहले जिस माहौल का था अब नहीं है, ओके, या उस डैमेज की वजह से कोई और बस्ती फर्दर कोई और डिजीज कॉज हो रही है हमारे प्लांट को या किसी भी होस्ट को, तो फिर हम कहते हैं, एक्चुअली हम एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो ज्यादातर बात हमारी क्रॉप परस्पेक्टिव में ही होगी, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड होगी। हाउएवर जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं चीज़ों को, तो पेस्ट के अंदर आपको हाउस होल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों का नज़र आएगा कि हाउस होल्ड के अंदर आप कैसे कंट्रोल करेंगे पेस्ट को, तो लेकिन हम बात करते हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर पेस्ट, ठीक है। चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, हमारे कल्टीवेशन मेथड की वजह से, मेथड चेंज करने की वजह से आपको इंसेक्ट हमारे लिए अगर हार्मफुल हो गया है तो फिर हम कहते हैं कि ये पेस्ट है। फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ क्रॉप, अगर कोई मामूली सा डैमेज भी, जो डैमेज पहले इग्नोरेबल था लेट्स से, और मार्केट वैल्यू पे क्रॉप की कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आउटपुट के ऊपर, हमारे जो भी सप्लाई थी उसके ऊपर, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है, मार्केट वैल्यू चीज की कम हो रही है, तो फिर हम मामूली से भी जो डैमेज है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर आलू के ऊपर मामूली सा धब्बा है और वो भी काउंट किया जा रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है हमारी सप्लाई की, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा भाई ये पेस्ट इन्फेक्टेड है, इफ इट इज इन्फेक्टेड, ठीक है, हमेशा नहीं। तो अगर किसी भी वजह दिस इज से, लेक्चर वन है। जी बेटा ये लेक्चर वन, ओके मिस मिस रिकॉर्ड कर लेगा क्योंकि कुछ बच्चों की लाइट नहीं है तो वो ले नहीं पा रहे हैं क्लास। या लेक्चर इज रिकॉर्डिंग एंड आई विल सप्लाई इट आल्सो ऑन द व्हाट्सएप और पीडीएफ फॉर्म में, ओके, ओके मिस, ओके और मिस, ये थैंक यू। आपके एलएमएस पे भी अपलोड होगा, सही है। ओके मिस, ओके अच्छा, अभी जो बताया है उसमें कुछ रिपीटिशन अगर चाहिए तो बताइए। आई होप आई एम नॉट टू फास्ट, नो मिस, सब समझ आ रहा है। थैंक यू। ओके ओके, इफ आई स्पीक टू फास्ट देन यू कैन यू नो से इट टू मी, बिकॉज जनरली आई स्पीक फास्ट और ऑन द जूम देर इज नो यू नो इंटरप्शन, क्लास में कोई टॉक नहीं हो रही होती है, कुछ भी नहीं है, तो यू जस्ट टॉक इन द फ्लो, समटाइम्स आई कुड बी फास्ट, अ बिट फास्ट, ओके। सो इंसेक्ट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एंड इकोनॉमिकली नॉन नॉट इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वर्ड का मतलब क्या है, वैसे तो दिस इज क्वाइट अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर वो इवन इन्फेक्शियस भी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज हमारी इकोनॉमी से रिलेट कर रही है आइदर इन द बेनिफिशियल वे और अदर इन द हार्मफुल वे, देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम हार्मफुल चीज को भी स्टडी करते ही हैं, क्योंकि हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, सही है। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट डजंट मीन के हमेशा हेल्पफुल चीज ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, सही है। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट के अंदर जो आते हैं वो इंजीरियस आते हैं, बेनिफिशियल आते हैं और हेल्पफुल आते हैं, इंसेक्ट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। तो इंजीरियस कौन से होते हैं, फर्स्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स, यानी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मीन स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, स्टोरेज एंटोमोलॉजी, जो स्टोरेज हाउसेस के अंदर जो ग्रेन्स के ऊपर जो एक्चुअली इन्फेक्शन कॉज करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, यू नो यू कैन सी दैट। तो पेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड पेस्ट ऑफ एनिमल्स। बेनिफिशियल प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड सिल्क वर्म्स, इंसेक्ट्स कैन बी ईटन एज ए फूड, यू नो वर्म्स कैन बी ईटन एज ए फूड बिकॉज दे आर क्वाइट हाई इन प्रोटीन कंटेंट इन द चाइना, जापान, कोरिया एंड ऑल इवन सम अदर प्लेस ऑल्सो, इंसेक्ट्स आर बींग फार्म्ड एज ए फूड, इंसेक्ट्स कैन बी यूज एज ए मेडिसन, इंसेक्ट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंसेक्ट्स फॉर एस्थेटिक वैल्यू, यू नो इस यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट दैट स्नेल्स आर बींग यूज इन द एस्थेटिक प्रोसीजर्स, स्नेल्स जो रिलीज करते हैं स्टफ, उससे आजकल सीरम्स भी बन रहे हैं, ओके। नाउ हेल्पफुल, हेल्पफुल यानी मिस टू किससे बन रहे वेजेस, सीरम? स्नेल्स का जो एक रिलीज करते हैं, जब वो मूव करते हैं तो अपना एक सब्सटेंस होता है, स्लाइमी सा सब्सटेंस, दैट आर बीइंग करंटली यूज इन एस्थेटिक एस्थेटिक वेज ना, इन द फेशियल्स एंड हाई हाई एंड एस्थेटिक फेशियल्स आर बीइंग डन बाय दैट,
एंड देयर सीरम्स आर ऑल्सो बींग अवेलेबल इन द मार्केट नाउ. प्रीडेटर्स आर द हेल्पफुल वंस, पैरासाइटोइड्स, पॉलिनेटर्स, वीट किलर्स एंड स्कैवेंजर्स. दीज आर द टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. यू विल लर्न ऑल दीज टाइप्स फर्दर द पैसेज ऑफ टाइम. मिसेस स्कैवेंजर्स जो है हेल्पफुल कैसे हैं? सॉरी, अच्छा ये तमाम तो टाइप्स हैं मिसेस स्कैवेंजर्स जो आपने बताए. हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी ये तो तमाम टाइप्स हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे. ये अभी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रो आपको जनरल दिया गया. इंसेक्ट का टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा फर्दर. ओके ये लेक्चर हम एम्फेसिस करेंगे हमारे पेस्ट के ऊपर. ठीक है, ओके. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स, जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए. सो यू कैन हैव अ लुक एंड देन दीज आर बेनिफिशियल, दीज आर डिस्ट्रक्टिव. बेनिफिशियल कौन है, कैसे हैं, ये आपको फर्दर समझ आएगा. पेस्ट, एवरेज 18% ऑफ द क्रॉप यील्ड इज लॉस ड्यू टू पेस्ट. 33% वीड्स, 15% बाय रोडेंट्स एंड अदर स्पीशीज, 26% are by other diseases, like diseases caused by certain pathogens, bacteria, virus, fungi, etc. And 26% losses is done by insects. So, insects are also a quite large group of injurious organism that can cause harm to crops. ठीक है, और जो economically important होगी इसी वजह से. How we say that a certain insect is a pest, उसके लिए कुछ certain parameters हैं. Parameters क्या हैं? Parameters वो हैं जिससे किसके थ्रू हम insect की population को examine करते हैं. ठीक है, या हमने कुछ certain threshold levels बनाए हैं, parameters बनाए हुए हैं. First is general equilibrium position. It is the average population density of insect over a long period of time. Unaffected by temporary interventions of pest control. However, the economic injury level may be at any level above or below the general equilibrium. मतलब इसका ये है कि average population density जो है किसी भी insect की वो काफी तवील अरसे तक same रहेगी. ठीक है, एक equilibrium में रहती है, तेजी से fluctuate नहीं करती है. ठीक है, तो जो भी उसकी डेंसिटी होती है, जो भी उसकी एवरेज पॉपुलेशन होती है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, उसे कैलकुलेट किया जाता है और वही उसका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है. ओके, हर इंसेक्ट का अलग होता है. इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड, शुड बी और कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द ETL. Now, ETL है क्या? ETL वो डेंसिटी है जिससे पहले पहले, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके पहले पहले अगर आपने कोई पेस्ट कंट्रोल मेजर अपना लिया, लेट्स से इवन स्प्रे की बात कर लें, ठीक है, कोई स्प्रे अगर आपने कर दिया पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन लेवल तक पहुंचने से पहले पहले, तब तो आपकी डिजीज कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंजरी नहीं होगी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज नहीं होगा क्रॉप को. लेकिन अगर तो डेंसिटी उस लेवल पे पहुंच गई है जिससे हम कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, तो फिर वो उसके बाद अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसका फायदा उतना नहीं होगा. डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल, और इवन इफ इट इज कंट्रोल, इट इज नॉट वेल कंट्रोल्ड. ठीक है, तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? वो एक पर्टिकुलर नंबर है, यानी 10, 20, 30, कुड बी एनी नंबर. इससे पहले पहले अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कर. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसेक्ट की, और यू कैन से किसी भी पेस्ट की. इकोनॉमिक इंजरी लेवल, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज. देखिए, इन द नेचर ऑब्वियसली देयर आर पेस्ट प्रेजेंट, देयर आर इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑलवेज, बट यू दे आर नॉट ऑलवेज टू मच hazardous for us because their population density is not that much always.
देयर आर ऑलवेज ग्रास हॉपर्स प्रेजेंट, देयर आर ऑलवेज सर्टेन बीज प्रेजेंट, देयर आर ऑलवेज सर्टेन माइट्स एंड स्पाइडर्स एंड थिंग्स आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ अस, बट दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस ऑलवेज, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही इतनी नहीं होती कि वो हमें हार्म कर सकें, हमारी क्रॉप्स को हार्म कर सकें. ठीक है, तो नेचर के अंदर इक्विलिब्रियम तो हमेशा रहता है और रहना चाहिए. अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है और नंबर ऑफ इंसेक्ट बढ़ रहे हैं तो फिर इंजरी हो. तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी है, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, जिसे कहना चाहिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू डू एनी डैमेज टू अ क्रॉप, इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंजरी लेवल. आई होप यू आर गेटिंग इट. यस मिस. ओके, व्हाई ओनली वन पर्सन इज अप्लाइंग टू मी? मिस EIL समझ नहीं आया. EIL समझ नहीं आया. देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक क्रॉप के सराउंडिंग में कोई 10 इंसेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही टाइप के, तो वो 10 इंसेक्ट इतना डैमेज तो नहीं करेंगे ना कि उससे इकोनॉमी के ऊपर कोई फर्क पड़े, किसान को कोई फर्क पड़े. अच्छा भाई, 3-4 पत्ते अगर खा भी लिए किसी इंसेक्ट ने, तो हाउ मच डैमेज इट कैन कॉज, यू नो. तो कोई 10 इंसेक्ट जो है वो कितने फ्रूट को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका नंबर 100 हो जाएगा तो इट कैन कॉज डैमेज. तो हम कहते हैं हम एक मिनिमम जो है वो क्वांटिटी मेजर करते हैं कि अच्छा 50 पेस्ट अगर है तो ये लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है फॉर द इकोनॉमिक डैमेज. फिर 40 होंगे या 50 होंगे या 100 होंगे या 200 होंगे, अगर इतनी तादाद होगी तो इकोनॉमिक लेवल का डैमेज आएगा. अदर देन दैट दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर अस. ओके, मतलब हम इन्हें बॉदर ही नहीं करेंगे कि अच्छा ठीक है तो है. सही है. इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है एक लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर डैमेज, फॉर काउंटेबल डैमेज यू कैन से. डैमेज बाउंड्री, द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर. अच्छा, अगर हेक्टर्स के ऊपर क्रॉप फैली हुई है तो अगर एक या दो फ्रूट्स को कुछ हुआ है, या हमारे एक या दो भी नहीं कहना चाहिए, इवन अगर हमारे 100 ट्रीज हैं उसके अंदर से 5 ट्रीज इन्फेक्टेड हैं, तो दिस इज नॉट अ टू मच डैमेज. ओके, तो एक डैमेज बाउंड्री होती है, द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर, जिसे आप मेजर कर सकें. या यूँ कह लो कि आपके 4 दरख्त हैं, उनमें से किसी किसी फ्रूट के ऊपर इन्फेक्शन है, बाकी सब ठीक है. तो एक हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज भी होता है, जिसे आप बनाया जाता है कि अच्छा भाई ये होगा तो इसको काउंटेबल माना जाएगा, अदर देन दैट इट इज इग्नोरेबल, है ना. ETL is always less than EIL. Economic threshold level, population density, जिसके ऊपर control किया जा सके, ठीक है, वो हमेशा कम ही होता है EIL से. The lowest population density that will cause economic damage. Obviously, अगर कोई चीज़ ये अंडर एक लॉजिकल बात है कि अगर कोई चीज़ अपनी उस population density पे पहुंच गई है जिसके ऊपर वो डैमेज करेगी ही करेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अब कंट्रोल करना तो मुश्किल ही हो गया ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि ETL जो है वो हमेशा EIL से कम है. ओके, इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज आल्सो डिफाइंड एज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज. ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन ऐसी हैं. आल्सो डिफाइंड एज क्रिटिकल डेंसिटी वेयर द लॉस Caused by the pest equals the cost of control measure. यानी हमारा control measure पे जितना खर्चा आता है तो उतना ही हमारा नुकसान भी होगा, actually हो रहा है. तो इसलिए हम कहते हैं कि economic injury level से पहले पहले पहुँचने से पहले पहले जो है वो pest को control कर लेना बेहतर होता है. Economic threshold level और action threshold. ETL is defined as the pest density at which control measures should be applied to prevent an increasing pest population for reaching economic injury level. ये अभी मैंने आपको बताया, just repetition है in a different way. Causes of pest outbreak, deforestation. Pest के outbreak के reasons क्या होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बैठे बिठाए ही और just immediately कोई भी जो insect है वो pest बन जाएगा, ठीक है. हमने अपने levels तो हमने ये तो समझ लिया कि economic injury level क्या है, threshold level क्या है, लेकिन क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे
कोई भी इंसेक्ट जो है वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, या वो इतना ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, कोई तो रीजंस होते हैं सही, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो रीजंस हैं वो हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस की वजह से ही होते हैं नेचर के साथ, द वे वी बिहेव विद द नेचर, द वे वी मैनिपुलेट द नेचर, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड ब्रिंगिंग अंडर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन और फिर उस तमाम रीजन को हम काम ले में ले आते हैं क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए. पेस्ट फीडिंग ऑन फॉरेस्ट ट्रीज आर फोर्स्ड टू फीड ऑन क्रॉप. जो भी पेस्ट फॉरेस्ट के अंदर फीड कर रहे थे, अब फॉरेस्ट ज़्यादातर फॉरेस्ट जो हैं वो पाइन फॉरेस्ट तरीके के फॉरेस्ट होते हैं या कोनिफर्स होते हैं, बहुत कम इनमें से ऐसे होते हैं जिन्हें हम जिनमें जो फ्रूट फॉरेस्ट हों या जिनसे हम बाकी को इकोनॉमिक वैल्यू हासिल करें, अदर देन वुड. वुड के अलावा हम उनसे बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, बस वो हमारे इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है. लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वुड के लिए अगर हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं तो फिर वो हमें प्रॉब्लम कॉज करते हैं. तो बात ये कहनी थी कि पेस्ट जो कि फॉरेस्ट ट्रीज के ऊपर फीड कर रहे होते हैं उनसे हमें इतना कोई ख़तरा नहीं होता, ठीक है. अच्छा, अभी फॉरेस्ट में है, फीड कर रहे हैं, ओके फाइन, एक क्योंकि इकोसिस्टम मैनेज ही होता है. तो उसके बाद अगर आप फॉरेस्ट को कट कर दें, सारी लैंड आपने ऑक्यूपाई कर ली किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो ऑब्वियसली वेयर वुड द पेस्ट गो, वेयर वुड द इंसेक्ट गो, अल्टीमेटली इट विल फीड ऑन द क्रॉप दैट यू आर ग्रोइंग ऑन दिस लैंड वेयर दे वर लिविंग. तो ठीक है, जब भी आप उनका खाना लेंगे तो वो आपके खाने के ऊपर आएंगे, सही है. तो बायोमास यूनिट एरिया मोर इन फॉरेस्ट देन एग्रीकल्चरल लैंड. जो पर बायोमास एरिया होता है या यूनिट एरिया होता है वो हमेशा फॉरेस्ट में ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि फोलिएज बहुत ज़्यादा होता है दरख्तों का, जो फोलिएज होता है कवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लीव ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बहुत आसानी से वो वहीं पर रहते थे, वो फैलते नहीं थे, उनको अपने तमाम फूड जो है वो इंसेक्ट्स को वहीं मिल जाता था. लेकिन अब जो है उन्हें फैलना पड़ता है बाहर की लैंड की तरफ, जो लैंड आपने उनसे ली है उस पर तो है ही है, आपकी क्रॉप के ऊपर वो फीड करते हैं, और इसके अलावा वो अदर रीजन्स में भी ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं. फिर वेदर फैक्टर्स ऑल्सो ऑल्टर्ड. नाउ अब आपने फॉरेस्ट अगर कट किया है तो ऑब्वियसली वेदर भी ऑल्टर करेगा, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द इंसेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है. तो इंसेक्ट डेवलपमेंट जो है वो उससे चेंज होती है, ऑब्वियसली फिर डिजीज पैटर्न चेंज होता है, इन्फेक्शन पैटर्न चेंज होते हैं. फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमल्स ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, नेचुरल एनिमल्स आर किल्ड. लेट से एक लीफ के ऊपर अगर 6 इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से 4 जो हैं वो आपको नॉट रिक्वायर्ड हैं और जो 2 इंसेक्ट हैं दे आर नॉट वेरी मच हार्मफुल, ठीक है. लेकिन आपने जब इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे किया तो आपने जो 2 अनहार्मफुल थे उन्हें भी मार दिया, ठीक है. अब वो जो 2 अनहार्मफुल थे वो हो सकता है कि वो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स हो, यानी वो कोई ऐसे इंसेक्ट हो जो कि दूसरे इंसेक्ट को खाते हो, ठीक है, या इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के काम आते हो किसी भी वे में. तो आपने जो हम नेचुरल एनिमीज को भी किल कर देते हैं जो कि दूसरे पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, सही. इसकी आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी कि जापान में, ये मुझे एग्जैक्ट इरा या डेकेड याद नहीं है, जापान में एक टाइम के ऊपर चिड़ियों को पकड़ने की स्कीम जारी की गई कि जो चिड़ियाँ हैं उनको पकड़ लिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रॉप डैमेज करती हैं, ये बीन्स खा लेती हैं और पत्ते तोड़ लेती हैं, ऑब्वियसली आप घर में अगर धनिया लगाएं तो उसे जो चिड़ियाँ हैं वो नहीं छोड़ती, ठीक है. इस वजह से उनको पकड़ा गया. लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया और उनका जो बिल्कुल ही लेवल डाउन हो गया, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम हो गई, तो उसके बाद जब क्रॉप डैमेज एस्टिमेट किया गया तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा था उस साल में या उसके आने वाले सालों के अंदर. इससे ये कैलकुलेट किया गया कि एक्चुअली वो फीड तो करती थी प्लांट्स के ऊपर, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तो वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती थी. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली चिड़ियाँ जो हैं वो इंसेक्ट ईट करती हैं, वो उन्हें प्रेडेट करती हैं. तो आपने क्या किया, एक नेचुरल एनिमी को सिस्टम से हटा दिया. तो इकोसिस्टम के साथ जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करना, सब खेलना, इट्स नॉट अ हेल्दी वे एंड इट कुड बी क्वाइट हैजर्डस फॉर द होल सिस्टम. जा रही है बात? Yes, miss. Okay. अच्छा जी, अब ये जो है हमारा
आई थिंक 30 मिनट्स की हमारी क्लास हो गई है। आई वुड लाइक कि मैं ये सेशन एंड करूँ और फिर 30 मिनट्स के लिए दोबारा स्टार्ट करूँ, सही है? तो आप लोग काइंडली ओके मिस, ओके ओके मिस, ओके।